नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ट्रिक्स के धमाकेदार सेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 100 के आसपास अगर कोई संख्या हो तो उसका स्क्वायर किस प्रकार से किया जाता है। लास्ट क्लास हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि 50 के आसपास कोई संख्या थी तो उसका स्क्वायर किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, पहली संख्या मान लो अपने पास आएगी दोस्तों 98। इस 98 का स्क्वायर अपन को करना है दोस्तों। तो अपन इसका स्क्वायर कैसे करेंगे दोस्तों? जो 98 है ये 100 से कितना कम है? ये 100 से दो कम है। दो कम है दोस्तों, तो दो का स्क्वायर करेंगे। दो का स्क्वायर कितना होगा? चार। और चार को दो डिजिट की संख्या बनाएंगे दोस्तों, तो आगे क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। अब दोस्तों ये 100 से जितना कम है उतना ही 98 में से घटा देंगे। 100 से कितना कम है? दो कम है, तो 98 में से दो माइनस कर देंगे दोस्तों। 98 में से दो माइनस करेंगे दोस्तों, कितना जाएगा? 96। ये लो दोस्तों, ये 98 का स्क्वायर हो गया। अब अगली संख्या बात करते हैं दोस्तों, मान लो अपने पास आएगी 96 आ गई। 96 दोस्तों 100 से कितना कम है? चार कम है, तो चार का स्क्वायर 16 और 96 में से चार माइनस कर देंगे दोस्तों, और 92। ये लो डायरेक्ट दोस्तों, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इसके बाद एक संख्या और ले लो दोस्तों, मान लो प्रैक्टिस के लिए 94 ले लेते हैं दोस्तों। कितना कम है ये? छः कम है 100 से, तो छः का स्क्वायर 36 और 94 में 6 जाएंगे दोस्तों 88। ये लो दोस्तों, ये किसका स्क्वायर हो गया? 94 का स्क्वायर हो गया। दोस्तों बात करते हैं, मान लो ये तो 100 से कम संख्या थी, अब 100 से ज़्यादा हो तो उसका कैसे करेंगे? अभी मान लो दोस्तों अपने पास आ गया 104 का स्क्वायर। 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों? चार ज़्यादा है, तो चार ज़्यादा है तो चार का स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों पहले क्या करते थे? कम तो है तो घटाते थे, अब ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। कितना ज़्यादा है? चार ज़्यादा है तो चार ऐड कर देंगे इसमें। कितना जाएगा दोस्तों? 108। ये लो दोस्तों, ये 104 का स्क्वायर हो गया। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। मान लो अपने पास आ गया 107 का स्क्वायर। सात कितना ज़्यादा है दोस्तों? 100 से सात ज़्यादा है, तो सात का स्क्वायर 49 और 107 में सात जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 114। ये लो दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं जो कि 100 के आसपास हो। इससे अपनी कैलकुलेशन फास्ट होगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने भाग दिया था 5 का, तो आज किसी भी संख्या में 25 का भाग किस प्रकार से दिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों मान लो अपने पास संख्या है, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 654 है, इसमें 25 का भाग अपन को देना है। एक संख्या और ले लो दोस्तों, 2457 ले लो, इसमें भी 25 का भाग अपन को देना है। एक संख्या और ले लेते हैं दोस्तों, 34852, कुछ भी ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो, इसमें भी 25 का भाग अपन को देना है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, जिस भी संख्या में अपन को 25 का भाग देना है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। जब 5 का भाग दिया था दोस्तों अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 21 का 1 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपन दो अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ये दो अंक छोड़े और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये दोस्तों ये 25 का भाग लग गया। लास्ट क्लास में हमने 5 का जब भाग दिया था तब एक अंक छोड़ के दशमलव लगाया था, आज कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे? दो अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें भी 25 का भाग देना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 18 के 8 हासिल का 1, 4 2 8 9, ये दो अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया दोस्तों। इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, 5 चौक 20 के 0 हासिल के 2, 8 चौक 32 और 2 34 के 4 हासिल के 3, 4 चौक 16 3 19 का 9 हासिल का 1, 4 3 12 1 13, 3 दो अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया दोस्तों। ये लो। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन 25 का भाग दे सकते हैं। बहुत सी कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी दोस्तों अपन को 25 का भाग देने की, तो अपन भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके दो अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन कि 125 का भाग किस प्रकार से देंगे किसी भी संख्या में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे। अब मान लो दोस्तों संख्या यही है, इन्हीं संख्याओं में अपन को 125 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 125 का। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब चार की जगह अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 8 चौक 32 के 2 हासिल का 3, 8 पंजे 40 और 43 के 3 हासिल का 4, 8 छः 48 और 4 52। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। इसके पहले जो 25 का दिया था 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा रहे थे, अब क्या करेंगे? 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल का 5, 8 पंजे 40 और 5 45 के 5 हासिल का 4, 8 चौक 32, 4 36 के 6 हासिल का 3, 8 2 16 3 19 और 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे दोस्तों। ये लो, ये 125 का भाग है। क्या
टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो। घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन पास्ट होगी, और मैथ्स की कैलकुलेशन पास्ट होगी दोस्तों तो पेपर में मजा आ जाएगा शानदार तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 16 के 6 हासिल का 1, 8 5 40 और 41 का 1 हासिल का 4, 8 8 64 4 68 के 8 हासिल का 6, 8 4 32 38 का 8 हासिल का 3, 8 3 24 3 27 दोस्तों ये 3 अंक छोड़ के 10 मिनट लगा ये लो दोस्तों, चुटकियों में उड़ाना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाया। तो ठीक है दोस्तों, आज के हमारे सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, कल फिर शानदार ट्रिक्स के साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की हमारी क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, जय हिंद।